एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं हिंदी रश। कसौटी जिंदगी की 2 में इन दिनों नया ट्विस्ट आ गया है। कमोलिका के जाने के बाद इस शो में मिस्टर बजाज की एंट्री पर चर्चा बनी हुई थी। इस बीच ऐसी खबरें आई कि करण सिंह ग्रोवर इस शो से टीवी पर अपनी वापसी कर रहे हैं। फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि अब एक ऐसी खबर आ रही है जो फैंस को निराश कर देगी। सुनने में आ रहा है कि करण कसौटी का हिस्सा बनने को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। वो अभी सोच में है कि वो इस शो का हिस्सा बने या फिर नहीं। इस बीच ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब एकता कपूर मिस्टर बजाज वाले रोल के लिए दोबारा ऑडिशन शुरू कर चुकी हैं। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल के रिपोर्ट की माने तो करण ने अभी तक मिस्टर बजाज के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, क्योंकि वो इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि कसौटी के ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए या फिर वो अपनी नई वेब सीरीज बॉस के रिलीज का वेट करें। वेल, अब ऐसे में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि करण एकता के ऑफर को मानते हैं या फिर नहीं। वैसे अगर करण हाँ करते हैं तो एकता उन्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाएंगी। बता दें, करण ने सीरियल के ओरिजिनल पार्ट में शरद का कैरेक्टर प्ले किया था। ये कैरेक्टर प्रेरणा और अनुराग की बेटी स्नेहा का पहला पति था। वैसे क्या आप करण को मिस्टर बजाज के रोल में देखना चाहते हैं या फिर नहीं? कमेंट्स के जरिए अपने विचार हमें बताइए। वेल, अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए हिंदी रश।